स्टूडेंट्स, हम लोग आज कैश बुक को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आईएससी के लिए बना रहे हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ना हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। थ्री कॉलम कैश बुक, सबसे पहले कैश इन हैंड दिया 6000 और बैंक बैलेंस जो है वो क्रेडिट में दिया। तो सबसे पहले कैश इन हैंड दिया वो इधर लिखेंगे और बैंक बैलेंस क्रेडिट में है तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे 3000, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, डिपोजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए 2000, तो बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा। बैंक बढ़ेगा इधर लिखेंगे, कैश घटेगा इधर लिखेंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो नाम अपोजिट लिखेंगे। तो कैश का कॉलम है तो बैंक का नाम लिखेंगे और इधर बैंक का कॉलम है तो इधर कैश का नाम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से 400 रुपया मिला और उसको डिस्काउंट अलाउ किए 10 रुपये, ठीक है। तो मोहन से 400 रुपया मिला और 10 रुपया उसको डिस्काउंट दिए तो इधर लिखेंगे पैसा आ रहा है, तो यहां लिखेंगे मोहन से पैसा मिला तो टू मोहन चार सौ रुपया कैश मिला और 10 रुपया उसको डिस्काउंट दिए तो वो डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। डेट दिया हुआ 5 तारीख। नेक्स्ट देखते हैं, लिखता रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इट टू बैंक। हरी से 600 का चेक मिला और उसको सेम डे बैंक में जमा कर दिए। अगर आपको क्वेश्चन नोट करने में प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन का मैं पीडीएफ का एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। लिखता रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इट टू बैंक 600। हरी से चेक मिला और सेम डे बैंक में जमा कर दिए। हरी से चेक मिला और सेम डे बैंक में जमा कर दिए तो यहां लिखेंगे टू हरी और बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउ। देखो प्रेम मोहन से 9 तारीख को चेक मिला 1600 रुपया का, लेकिन फिर 18 तारीख को हम नीचे पढ़ रहे हैं, लिखता है प्रेम मोहन वाला चेक 18 तारीख को बैंक में जमा किए। चेक मिला 9th को जमा किए 18th को, इसका मतलब 9th को जमा नहीं किए। तो 9th को उससे चेक मिला लेकिन बैंक में जमा नहीं किए, और जब चेक मिलता है और बैंक में जमा नहीं करते हैं तो उसको हम लोग कैश कॉलम में लिखते हैं। तो इधर लिखेंगे टू प्रेम मोहन, 1600 रुपया कैश में लिखेंगे, चेक मिला लेकिन बैंक में अभी जमा नहीं किए और 25 रुपया डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से 300 रुपया निकाले। तो 300 रुपया बैंक से निकाले फॉर ऑफिस यूज तो हमारा कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा। तो कैश बढ़ेगा इधर लिखेंगे, बैंक घटेगा इधर लिखेंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, नाम अपोजिट लिखेंगे। तो इधर कैश का कॉलम है तो बैंक का नाम लिखेंगे और इधर बैंक का कॉलम है तो कैश का नाम लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर देखो 13th को लिखता है बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे 600 रुपया का कैश में तो कैश घटेगा तो इधर आ जाएगा बाय पर्चेजेस, कैश में खरीदे तो कैश में लिखेंगे, खरीदे 600 का तो 600 कैश में लिखेंगे, ठीक है, कैश घटेगा। नेक्स्ट देखो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1200, गुड्स बेचे 1200 रुपए का, तो गुड्स बेचे हैं 1200 का तो यहां आ जाएंगे टू सेल्स और ये कैश में लिखेंगे 1200 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लिखता है पेड टू गणेश रुपीज 494 रुपीज बाई चेक। गणेश को 494 हम लोग चेक से पे किए और वो डिस्काउंट दिया 6 रुपया, तो गणेश को पे किए तो ये बाई में यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई गणेश, चेक से पे किए तो बैंक में लिखेंगे और यहां डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखता प्रेम मोहन से जो चेक मिला था वो 18 तारीख को बैंक में जमा कर दिए, तो 18 तारीख को बैंक में जमा किए, मिला था 9 तारीख को, जब मिला था तो हम लोग उसको कैश में लिखे थे। देखो 9 तारीख को हम लोग कैश बढ़ाए थे 1600, 18th को इस कैश को हम लोग बैंक में जमा कर दिए, नहीं चेक आया तो कैश में लिखें यानी वो कैश माने, तो जब बैंक में जमा करेंगे तो मेरा बैंक बढ़ेगा और कैश हम लोग का 1600 से घट जाएगा, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। जैसे हम लोग कैश जमा करने पर एंट्री करते हैं
वैसे ही हम लोग चेक जमा करने पर भी एंट्री करते हैं, तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, नाम अपोजिट लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे टू कैश और इधर लिखेंगे बाई बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो लिखता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर रुपीज 1500 फॉर विच ही गेव कैश रुपीज 800 एंड अ चेक रुपीज 700। गोपाल को 1500 रुपया का हम लोग गुड्स बेचे जिसके लिए वो 800 रुपया नगद दिया और 700 का चेक दिया। फिर वो चेक के बारे में 22 तारीख को लिख रहा बैंक में जमा किए, इसका मतलब 20 तारीख को जमा नहीं किए। तो 20 तारीख को कैश मिला 800, चेक मिला 700। कैश मिला वो तो कैश में लिखेंगे और चेक मिला वो भी जमा नहीं किए तो कैश में लिखेंगे, यानी टोटल 1500 हम लोग कैश में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टू सेल्स और कैश में लिखेंगे 1500 क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं किए। फिर 22 तारीख को देखो लिखता है कि बैंक में हम लोग जमा किए 900 रुपया जिसमें गोपाल का चेक भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो टोटल 900 जमा किए जिसमें गोपाल का चेक इंक्लूडेड है। चेक जमा करते हैं तो भी वही ट्रीटमेंट करते हैं, बैंक बढ़ता है कैश घटता है, और कैश जमा करने पे भी वही करते हैं, बैंक बढ़ता है कैश घटता है। तो टोटल 900 रुपया हम लोग समझो जमा किए तो उसके लिए बैंक मेरा 900 से बढ़ेगा और कैश हम लोग का 900 से घट जाएगा, और ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो नाम अपोजिट लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे टू कैश और इधर लिखेंगे बाई बैंक। ठीक है, नेक्स्ट लिखता है डिपोजिटेड, ये तो हो गया। उसके बाद देखो 24th को है पेड रेंट बाई चेक, रेंट चेक से दिए 150 रुपया, तो इधर लिखेंगे बाई रेंट और बैंक में लिखेंगे क्योंकि चेक से पेमेंट किए। फिर देखो उसके बाद है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 200 रुपया, बैंक से 200 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाले तो इधर लिखेंगे बाई ड्रॉइंग्स और बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखता बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम मोहन चेक वॉज डिसऑनर्ड। प्रेम मोहन से जो चेक मिला था हम लोगों को 9 तारीख को, जिसको हम लोग 18 तारीख को बैंक में जमा कर दिए थे, वो हम लोग का डिसऑनर हो गया। तो देखो 18 तारीख को जब हम लोग जमा किए थे तो अपने बैंक को हम लोग बढ़ा लिए थे, अब वो डिसऑनर हो गया तो वापस बैंक को हम लोग 1600 रुपए से ही घटा भी लेंगे, तो इधर लिखेंगे बाई प्रेम मोहन। और अगर चेक डिसऑनर होने पे कोई चार्जेस होगा, मान लो 5 रुपया 10 रुपया, तो वो इसमें जोड़ के लिखेंगे, तो बाई प्रेम मोहन के नाम से 1610 रुपया लिखेंगे चार्जेस जोड़ के। ठीक है, डेट दिया है इसका 28। देखो नेक्स्ट लिखता है रिसीव फ्रॉम अनिल 270 इन कैश, 540 बाई चेक, द चेक वॉज डिपोजिटेड इन टू बैंक और डिस्काउंट भी है 90 रुपया। तो अनिल से पैसा भी मिला, चेक भी मिला, चेक को जमा कर दिए बैंक में सेम डे और यहां डिस्काउंट भी है। देखो टू अनिल, डिस्काउंट में लिखेंगे 90, कैश में 270 और चेक जो मिला वो बैंक में जमा कर दिए 540। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैंक चार्जेस एज शोन इन पासबुक, बैंक चार्जेस काटा, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस। बैंक किसी भी तरह का चार्जेस काटेगा तो हमारे अकाउंट में से पैसा घटा देगा, तो ये हमारे अकाउंट में से 5 रुपया घट गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पेड सैलरी, सैलरी दिए तो ये भी हमारा जाएगा पैसा, लेकिन यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैश दिए तो कैश में से घटेगा। उसके बाद हम पिछले वीडियो में आपको बैलेंस करना सिखाए थे बिना टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट के, आज फिर वैसे ही करेंगे। तो हम लोग करते क्या है, जिधर ज्यादा है उधर देखते हैं और डिस्काउंट कॉलम कभी बैलेंस नहीं होता, वो जिधर जितना है उतना लिख के छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो डिस्काउंट इधर आया 125 और इधर आया 6, ये लिख के छोड़ देंगे। कैश हमेशा इधर ही ज्यादा होगा तो पहले कैश को इधर जोड़ेंगे। तो देखो कैश का इधर टोटल आया 11,270, यही सेम हम लोग इधर भी लिखेंगे और फिर ये सारा जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे और माइनस करके जो आएगा यहां लिख देंगे और उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। तो ये कैश का बैलेंस हम लोग का निकल जाएगा, कैश कितना बचा, तो ये टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 5,670। ठीक है, उसी तरह बैंक देखेंगे, बैंक हो सकता है इधर भी ज्यादा हो क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को इधर ही ज्यादा लग रहा, देखते हैं जोड़ के। देखो बैंक इधर ज्यादा है तो इधर लिखें 5749 और वही सेम इधर भी लिखेंगे और अब इसमें से जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे सारा, तो ये इधर बैलेंस आ गया 109। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो इधर बैलेंस आएगा तो इधर लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, इधर आएगा तो इधर बैलेंस कैरिड डाउन।
और इधर अगर कैरिड डाउन आता है तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट मंथ के पहली तारीख को इधर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि जो पिछले महीने बच गया था कैश वो अगले महीने ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। ब्रॉड डाउन को ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। और इधर जो ओवरड्राफ्ट आया 109 वो इधर लिखा जाएगा हम लोग का 109। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।